अच्छा आराम बैठे हो यहाँ पे, बैठे बैठे रहते हो। क्या सेवा करें, नहीं नहीं बस आपके दर्शन हेतु ही आए थे। अहो भाग्य आपकी कृपा करवाने बस एक शौभरी जी का श्लोक गान किया हुआ है। उन्होंने साधक को, उपासक को, साधु को, भगवत मार्ग के पथिक को बहुत सुंदर सावधानी के लिए कहा। संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिना मुमुक्षु सर्वात्मनान विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहश्चित्त मनंते से युंजीत तद वृत्ति सुसाधुश्चेत प्रसंगा। वो कह रहे हे मुमुक्षु, मुमुक्षु माने जो मुक्त होना चाहता है, सब मुक्त होना चाहते हैं। देखो वो कहने वाली बात अलग है, लेकिन सब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर द्वंद्वों से तो मुक्त होना चाहते हो ना, तभी तो भगवत प्रेम होगा, तभी तो हम नारायण चरणारविंद की सेवा कर पाएंगे, तभी तो हम उनके स्वरूप पार्षद को प्राप्त होंगे। जब तक हम द्वंद्वों से युक्त हैं, तब तक हमारे अंदर भागवतिक महिमा प्रकाशित नहीं होती। तो वो कह रहे संगम त्यजेत मिथुन वृतिना मुमुक्षु, ऐ मुमुक्षु, ऐ भगवत मार्ग के पथिक, जो मैथुन सुख में निमग्न है, ऐसे लोगों का संग त्याग दीजिए। शोभरी जी आदेश कर रहे हैं, सर्वात्मनान विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को कभी खुला मत छोड़ दीजिएगा, बहिर्मुख मत कीजिएगा। एकश्चरण, आप अंतर में और बाहर में दोनों बातों को समझना है। बाहर में हजारों के संग है, पर हम हजारों के संग नहीं, केवल एक के संग है। हमारे सबके हृदय में प्रभु विराजमान है, हम उन्हीं का दर्शन करते हैं, उन्हीं से संभाषण करते हैं, उन्हीं को दुलार करते हैं। एकश्चरण और अंतर में अन्य कोई वासना, अन्य कोई स्फुरणा उस पर शासन करते हैं, उसको विवेक के द्वारा काटते हैं। एकमात्र जो गुरुदेव ने मार्ग दिया है उसके अनुकूल चिंतन करते हैं, प्रतिकूल का त्याग करते हैं। कह रहे एकश्चरण राश्चित्त मनंते, अपने चित्त को सदैव अनंत भगवान के चिंतन में लगा। अनंत शब्द इसलिए क्या हो सकता है, आपके आराध्य देव का कोई और नाम हो, आपके आराध्य देव का कोई, तो वो मेरा प्रभु अनंत है, उसके अनंत नाम है, अनंत रूप है। अपने चित्त को अपने गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र में जोड़िए। फिर जो आखिरी बात कहते हैं कि अगर हमें संग करने का सौभाग्य मिले तो तद व्रतेषु, जिस मार्ग में आप चल रहे हो उसी व्रत वाले, अर्थात भगवान की उपासना करने वाले दृढ़ वैराग्यवान संतों का संग करे, नहीं तो असंग है। या तो असंग या तो बोधवान संतों का संग, और निरंतर अपने चित्त को अपने आराध्य देव में लगाए, यही सबसे बड़ी आराधना। सावधानी कहिए, संगम त्यजेत मिथुन वृतिनाम विमुक्षु, जो मिथुन धर्म मैथुन धर्म से युक्त सुख का ही रसास्वादन करते हैं, रसेंद्री जनेंद्री किसी भी इंद्री का किसी सुख से जुड़ना, वो सावधान रहें ऐसे, क्योंकि वो मछली की क्रीड़ा से, तो ऐसी असावधानी आपकी साधना को गिरा सकती हो। सौभरी जी सावधान, सदैव अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहे, कोई भी लालसा कोई भी कामना प्रभु से हमें विमुख न कर पाए, ऐसे हम सावधानी रखते। प्रसन्नता तो हमें हुई कि आप चल कर आके दर्शन दे आकर के। आपके प्रवचन जो खास तौर पर आप हरिस्मरण पर करते हैं, भगवत स्मरण पर, वो साधक को इतना बल देते हैं भगवत प्राप्ति, तो बहुत इससे बहुत सभी को बहुत संबल मिलता है। ये सब आप संतों की कृपा से जो अनुभव में आया, वही प्रसाद जो गुरुजनों से मिला, वही हम सब बांट के पा रहे हैं। कोई अपना कुछ नहीं, आप संतों को गुरुजनों को प्रसाद भी दिया। प्रभु से प्रार्थना है आपका स्वास्थ्य सदैव स्वस्थ।